are watching NTTV News, News Telangana Television. Assalamu alaikum. Aaj, alhamdulillah, jis tarah hukumat Telangana Minority Finance Corporation ke zariye se jis tarah skill developments par gushta माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिस तरह ट्रेनिंग दी जाती कि यहाँ के हैदराबाद के हद तक ही दिया जाता, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब का शुक्र एहसान है कि इन्होंने पूरे जिस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम दे रहे हैं वो पूरे रियासत तेलंगाना में दिया जा रहा है और गुज़्ता कई डिस्ट्रिक्ट के भी हैदराबाद के जगह जिस तरह हमारे एनजीओस ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे रहे थे उसमें शामिल हो रहे थे और दूर के वजह से कई डिस्ट्रिक्टों में ट्रेनिंग प्रोग्राम पहुंच रहा नहीं था। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा कोर्स लाया गया है, वो कोर्स ये है पहली तो फर्स्ट जिस तरह अपोला वालों को हैदराबाद तक हद तक दिया जाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के जितने भी एनजीओस है जितने ऑर्गेनाइजेशन है रियासत भर पूरे तेलंगाना में हर डिस्ट्रिक्ट में देने का अब गुस्टा हम दो दिन के नीचे ही हमारे माइनॉरिटी एमडी और दीगर ऑफिसर्स और ट्रेनिंग पार्टनर्स एनजीओ से हम लोग रिव्यू मीटिंग लिए थे, क्योंकि इसलिए गुस्टा हमको सिर्फ हैदराबाद के हद तक दिए बाद और हैदराबाद के हद तक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज में दिया तो बहुत अच्छा होगा और उसी तरह से आज हमको गुस्टा एक 10-15 दिन पहले ही हमको वो जियो आया था और उस जियो में इम्प्लीमेंट्स में भी ये क्या गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रास लेवल जो जिस तरह कॉन्सेंसी वाइज में जिस तरह हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के वहाँ पर DMW और यहाँ के जो ट्रेनिंग पार्टनर्स वहाँ पर जाके फर्स्ट एक अवेयरनेस लेके आना है, वहाँ पर जो जिम्मेदारान हमारे DMW रहेंगे और वहाँ के जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हंदो कॉन्सेंसिस में हंदो वहाँ पर मजीद कमेटी के जो जिम्मेदारान हंदो और दीगर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के भी लोगों से उन्होंने मशवरा करके वहाँ पर, क्योंकि इसलिए कि आज हुकूमत तेलंगाना जिस तरह 60 साल में अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट वाइज में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, कौन सा ट्रेनिंग? इंशाल्लाह इसमें फर्स्ट क्या है जिस तरह अपोला हॉस्पिटल का हमारा जिस तरह गुस्टा ट्रेनिंग दिया जा रहा है उसी तरह कई ब्यूटी पार्लर्स भी गुस्टा हैदराबाद के तहत ही था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तेलंगाना वाइज में भी जिस तरह वो एनजीओस उसमें पार्टिसिपेट हुए बाद इंशाल्लाह वो डिस्ट्रिक्ट वाइज में जैसा उनकी सहूलत रहेंगी उस सहूलत के हिसाब से वो लोग वो प्रोग्राम लिया जाएगा वो एनजीओस अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूँ पूरे तेलंगाना मुस्लिम्स माइनॉरिटीज से और हमारे ख़वातीन से भी, यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग दी जाएगी वो फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें 3 महीने का कोर्स रहेगा और एक 4 महीने का कोर्स रहेगा। जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है हम वो ट्रेनिंग पार्टनर्स को ये कहा गया कि जितने आपको 100 हिंदो 200 हिंदो जितने कोर्सेज बच्चों की ट्रेनिंग का दिया गया वो पूरा मुकम्मल तौर पर वो कंप्लीट करना और वो हमारे DMW हर रोज़ उसकी रिपोर्ट लिया जाएगा और उसमें जिस तरह ट्रेनिंग पार्टनर्स को दिए बाद उसमें 10 भी कम कर दिए तो आपका MOU हम लोग कैंसिल कर दिए, क्योंकि ये रियासत तेलंगाना का कीमती पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे ये इसलिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाने का अब तक डिस्ट्रिक्ट वाइज में उतना अवेयरनेस नहीं था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट के जहाँ भी मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कई NGOs प्राइवेट में जाके सीख रहे हैं, आज हुकूमत तेलंगाना की तरफ से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी रियासत तेलंगाना पर दिए गए बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद हमारे पूरे यहाँ पर हमारे MDs हमारे ऑफिसर्स से पहले रिव्यू करके इसके बाद इस ट्रेनिंग पार्टनर्स को बुलाया गया है, ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी इसमें हमारे पास सीनियरिटीज ट्रेनिंग पार्टनर्स है और कई पार्टनर्स को भी कई कोर्सेज के हिसाब से उनको शामिल किया गया है नए नए ट्रेनिंग पार्टनर्स को और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज में इंशाल्लाह वो काम करेंगे। जिस तरह आप हुकूमत तेलंगाना जिस तरह का भी काम है वहाँ के ग्रास लेवल तक जाके वो ट्रेनिंग जो लोग सीखने वाले हैं उनको लेके आके वो कैंप में शरीक करे तो क्योंकि हुकूमत का भी नाम होता और वो एनजीओ का भी नाम होता और जो लोग सीखेंगे उन लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। गुस्टा कई कोर्सेज के आज हम लोग हैदराबाद में हंदो और दूसरी जगह हंदो वो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, उसी तरह इंशाल्लाह 90 डेज
4 मंथ्स का भी जो कोर्स रहेगा इंशाल्लाह वो भी पूरा मुकम्मल तौर पर वो कोर्स दिया जाएगा और फ्री दिया जाएगा। किसी से भी एक रुपया की भी कोई शिकायत आए तो हमको बताइए, वो एनजीओ को उसको एमओयू इसका हम कैंसिल करेंगे। 16 की मैं आपको लिस्ट दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि पहले तो अवेयरनेस लाना है, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पर गुस्टा आके जो इस तरह हमारे आज माइनॉरिटीज़ भाई जिस तरह आके जा रहे हैं, सब हमारे पास कोर्सेज यहाँ पर गुस्टा हैदराबाद में सीखे हैं, अब नए कोर्सेज आए हैं, बल्कि परसों गुस्टा पेपर में आया था एक 15-20 दिन पहले, इंशाल्लाह वो कोर्सेज इंशाल्लाह आपके ज़रिए मैं यहाँ पर दूंगा लिस्ट में, वो डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होने बाद इंशाल्लाह वो डिस्ट्रिक्ट DMW से रन दो वहाँ कभी भी एक महीने के बाद जब भी शुरू होगा वो फ्री दिया जाएगा माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए से इंशाल्लाह। उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हुकूमत हमेशा माइनॉरिटीज़ को इतने अच्छे स्कीम से नवाजा जा रहा है। गुस्टा आप देखे हैं फ्री ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दिया जा रहा और फ्री टेलरिंग सेंटर्स भी दिया जा रहा इंशाल्लाह। जिस तरह गुस्टा 500 गाड़ीज़ भी दिया गया मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को इंशाल्लाह, अभी भी 1 तारीख के बाद आज तक 20,000 के अबो अप्लीकेशन आ चुके हैं इंशाल्लाह। अभी 2 दिन के बाद क्लोज हुए बाद इंशाल्लाह जिस वक्त पूरा मुकम्मल उसका एलिजिबल होगा, एलिजिबल के बाद इंशाल्लाह जिस तरह जिस जो हकदार है वो हक को बराबर मिलेगा। और मैं से ये एक बात बताते हुए आपको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि गुस्टा जिस तरह जो अप्लीकेशंस लगा लिए थे उनको निहारा बोल के बोले इसका CGG में लगाया गया है, बराबर उसको एलिजिबल बताया जा रहा है, क्योंकि ड्राइवर्स मेरे भाई गुस्तावर है कि हम लोग लगाए बात। और एक भी बात, इसमें जिस तरह आप पूरा मुकम्मल जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन जिस तरह कर्ज लिए थे, लोन लिए थे, वो मुकम्मल 5 ईयर्स पूरा कंप्लीट होए बाद ही आपका एप्लीकेशन एलिजिबल होता। क्योंकि कई लोग बोले साहब हमारे को नियारा बोलते आप लोन या कुछ भी गवर्नमेंट से कुछ भी स्कीम फ़ायदा उठाएँ तो मुकम्मल 5 ईयर्स के कम्प्लीट होना है। इसी बात ही आपका जो भी है वो आपका ऑनलाइन करे हैं वो बराबर उसको मंजूरी मिली। ड्राइवर ओनर कम की जो स्कीम है उसका अब तक टेंडर नहीं बुलाया गया, कल बुलाने की डेट नहीं सुने मैं साहब, वो कल जो बुलाने की ड्राइवर थी TVS मोटर जो फकीर सोसाइटी को दिया जा रहा था, उसमें क्या है बोलते थोड़ा न्यू सिटी में उसमें सिलेक्शन करने के वजह से हमारे कॉम्पिटेंट्स आने की वजह से उसको पेंडिंग डाल दिया, क्योंकि इसलिए कि फकीर सोसाइटी है जिस तरह ओल्ड सिटी में है नामपेली हंदो चादर घाट हंदो चाइमनार हंदो, क्योंकि थोड़े एनजीओ के जरिए से जाके इंक्वायरी किया गया, इसलिए कि डायरेक्टली इंशाल्लाह उसके बारे में प्लान कर रहे हैं कि इसको पूरे तरीके से निकाल के उसको एक जिस तरह लकी निकाला जाएगा ड्रा उस तरह पे उसको सिलेक्शन किया जाएगा। नहीं नहीं जी जी इस तरह हमको ये फकीर सोसाइटी जो तरफ से रिप्रेजेंटेशन आया था तो उनको ये मोपेड्स देंगे, क्योंकि कारोबार करते हैं हमारे पास इसका गरीबी का है, तो हम लोग ये चाहें कि जो एनजीओ की तरफ से हमारे थोड़े जने मिल के वो करे तो इसका सिर्फ जिस तरह बाहर से आने बाद वो जिस तरह सिलेक्शन किया गया था उसके सिलेक्शन को रोक दिया गया है, क्योंकि हमको कोई एनजीओ से वास्ता नहीं रहेगा जिस तरह ये TVS मोटर्स का जो फकीर सोसाइटी का है, क्योंकि डायरेक्टली तौर पर हमारे ऑफिस से जाके वहाँ पर जो स्लम एरिया है जो कारोबार करेंगे उनको ही सिलेक्शन तौर पर रहेगा। आप ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट का अभी कम्प्लीट ही नहीं हुआ तो हम ट्रेनिंग अब तक बुलाए भी नहीं गए, अब तक कार का ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट का कोई किसी को हम लोग कॉल करके ये गाड़ी ये टेंडर डालो बोल किसी को नहीं मिलेगा, अभी कम्प्लीट ही नहीं हुआ ना साहब। अब सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होए बाद सब करे बाद उसको जब पेपर में आपको ऐड दिया जाएगा उसके हिसाब से लोग आएंगे। कार्स का गवर्नमेंट्स का सब सुनिए साहब, गवर्नमेंट हमको जियो आया है इस सिलेक्शन होए बाद कितने गाड़ियाँ सिलेक्शन होए बाद कितने लोग सिलेक्शन होए बाद उसका टाइम दिए अब उसको हम लोग आपको खुद प्रेस के जरिए दिया जाता, क्योंकि आप मुशीनांगा बोले मुशीनांगा ऑलरेडी CM साहब पर चले गया है, जब भी CM साहब से जब भी हम लोग 10,000 मशीन का भेजे हैं वो कितने इसमें CM साहब जब सेंक्शन करेंगे उसके बाद बराबर हम लोग उसको आपको प्रेस के जरिए से वो टेंडर बुलाया। नहीं अभी पैसे नहीं दिए गए, अभी परमिशन आए बाद ही हमारे को पैसे आते किसके स्कीम से मशीन के लिए हम लोग गवर्नमेंट को भेजा गया है, गवर्नमेंट के पास जब परमिशन आएगा जब हम हमको अलाटमेंट होंगे कोसे डिपार्टमेंट को किता है लिस्ट टोटली कंप्लीट पूरा ईयर हो तो अपने को आता ना साहब डैशबोर्ड पे क्लियर आया
सेकंड क्वार्टर आया, फर्स्ट क्वार्टर क्लियर हो गया, सेकंड क्वार्टर को लगा के है। सेकंड क्वार्टर का अपने क्या होता, जनवरी में मान होता, थर्ड क्वार्टर मार्च में क्लोजिंग होता।